हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह 10 बजे की हमारी क्लास होती है इंग्लिश की, और आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी क्लास स्टार्ट करने की। तो यस, वो डिसीजन ये हुआ है कि थ्योरी क्लास जो है वो मैं अपने दूसरे चैनल एग्जाम डोज पर प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने थ्योरी पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट बनी है। और हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि वो पुराने वीडियोस हैं, लेकिन चीज़ वही है। और एक ही चैनल पे सेम कंटेंट अगर मैं रखती हूँ तो कहीं ना कहीं जो न्यू व्यूअर्स होंगे, जो भी वो प्लेलिस्ट चेक करेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये डिसाइड करना कि कौन सा वीडियो, या तो वो दोनों वीडियो देख के कहीं ना कहीं वो करे कि कौन सा ठीक है, क्योंकि दोनों में मैंने ही पढ़ा है, दोनों में ही कंटेंट वही चीज़ें हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट ज़रूर थोड़ी रहेगी एग्जाम डोज वाले वीडियो पे, मतलब नई चीज़ें जो कुछ भी आएंगी वो भी उसमें इंक्लूड करूँगी मैं, तो इस वजह से वो उस चैनल पे मैं प्रोवाइड करा रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारी क्लास प्रैक्टिस की चल रही है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। 10 क्वेश्चन टारगेट आपका, अब 8 से ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारी क्लासेस चल रही हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज अ टीचर आपको फटाफट से आपकी नज़र पड़नी चाहिए करेक्ट की स्पेलिंग गलत है। खैर, देखेंगे हम। आई शैल हैव रिटन द लेटर, तो इसको आपको ये किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव में ऑलरेडी ये है। सबसे पहले पहचानना होता है कि कौन सी वॉइस में है, एक्टिव, फिर पहचानना है कौन से टेंस में है। कुछ भी आप करें, हमेशा ये दो चीज़ आपको हर हाल में पहले सबसे आइडेंटिफाई कर लेना है। तो ये है शैल हैव, विल हैव या शैल हैव लिखा हो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पहले तो हमें सब्जेक्ट लिख लेना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट। तो यानी कि पहले सबसे द लेटर आना चाहिए, सब में द लेटर है। इसके बाद जो है हमें क्या लगाना है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो विल और शैल का यूज़ तो हमें करना ही है, और हैव की जगह हैव बीन कर देना है। तो यहाँ शैल हैव लिखा है तो हम क्या कर देंगे, शैल या विल कुछ लगा के और हैव बीन, तो यहाँ पे लेटर हो गया ना सब्जेक्ट, यहाँ आई था तो आई के साथ शैल यूज जाता है, लेकिन द लेटर के साथ शैल नहीं जाएगा, वो उसके साथ आपको विल ही यूज़ करना है। तो विल हैव बीन लगाना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस वाले में लगा है द लेटर विल हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, दैट इज़ रिटन, बाय लगा देना है, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लिखना है जो यहाँ सब्जेक्ट था। तो आई जब इधर आता है तो क्या होता है, मी हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। इसी के साथ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द सिटी वॉज प्लंग्ड ब्लैंक डार्कनेस ड्यू टू अ सडन पावर फेलियर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बस ये बताना है, एट, टू, अंडर और इनटू। तो यहाँ पे प्लंग के बाद जो प्रीपोजिशन का यूज़ होता है वो होता है इनटू का हमेशा, तो प्लंग लिखा है तो यहाँ पे आपको इनटू का यूज़ करना है। कुछ चीज़ें होती हैं प्रीपोजिशन जो फॉलो करते हैं वर्ड्स को, रटना बेहतरीन होता है उसको, और उसकी लिस्ट मैं आपको बहुत जल्दी अपने ब्लॉग पे प्रोवाइड कराने वाली हूँ, किसी भी टाइम आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि देख सकें और याद कर सकें। यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, आई गॉट ब्लैंक हंड्रेड्स पेन, इट्स हंड्रेड नॉट हंड्रेड्स, ओके, क्या आना चाहिए, एन, अ, द या फिर कोई आर्टिकल, नहीं सब सही है। तो देखिए, मैंने ये आपको पहले भी अ 10 रुपी नोट इस तरह से करके क्वेश्चन एक बार कराया था, उसमें ये चीज समझाई थी। इसके साथ आ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई गॉट अ 100 पेन्स, यानी मुझे कोई मतलब 100 जो है पेन मिली हैं, 100 पेन। एन का यूज़ तो होने संभावना नहीं, और द का भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मास्कर, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग मैंने एक दिन आपको हिंदी में बताई थी, तो आपको इसका कुल मिला के सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द जिसे नरसंहार कहते हैं, मैंने एक दिन बताया भी था। नरसंहार यानी कि सामूहिक रूप से जो हत्या की जाती है निर्दयतापूर्वक वो होता है, तो उसको एक और वर्ड जो उसके लिए यूज़ होता है वो होता है स्लॉटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ, एंटोनिम ऑफ टिराज, ओके, इसके एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। सबसे पहले तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ इसका हो जाता है तीव्र या कटु आलोचना करना, किसी की बहुत ही मतलब बेहतरीन आलोचना करना, बेहतरीन नहीं कह सकते, आलोचना कभी बेहतरीन नहीं होती है, किसी की तीव्र या कड़ी आलोचना करना निगेटिव वे में। तो इसका उल्टा बताना है, अपोजिट,
अपोजिट किसी की आलोचना निंदा करने का अपोजिट है उसकी प्रशंसा करना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए एप्रिशिएशन, यानी कि किसी की प्रशंसा या सराहना करना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे मेडिकोर की स्पेलिंग क्या सही है, मेडिकेयर सॉरी नॉट मेडिकोर, ओके। सो यहाँ पे मेडिकोर की स्पेलिंग सही हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर सी MEDIOCRE, ये इसकी सही स्पेलिंग होगी। इसका अर्थ क्या होता है ये भी थोड़ा सा, मामूली, कोई चीज़ बहुत मामूली हो, औसत हो, सामान्य हो, साधारण हो, है ना, मामूली आप समझ गए होंगे मामूली का मतलब क्या होता है, बस वही जो है इसका अर्थ हो जाता है। नए नए, अच्छा आपको इसमें कुछ ना कुछ नए शब्द भी सीखने को मिल जाते हैं, तो उसको याद कर लिया करिए इसका मतलब क्या होता है। चूज द एक्सप्लेनेशन दैट कैच द स्पिरिट ऑफ द आइटम गिवन बेलो, मतलब कि आपको इसका अर्थ बताना है, एडम का अर्थ बताना है। टू कीप अब्रेस्ट ऑफ, इसका अर्थ क्या होगा सिंपली, अगर मैं हिंदी में इसका अर्थ बताऊं आपको थोड़ा सा हिंट करने के लिए, तो इसका अर्थ ये होता है कि खुद को जो भी वर्तमान में परिस्थितियां हैं या एक्टिविटीज हैं इससे परिचित रखना, अपडेटेड रखना। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अपडेटेड, के मैंने नाम भी ले लिया था, टू कीप वन सेल्फ अप टू डेट, यानी कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ से खुद को अपडेट रखना, ये कहलाता है टू कीप अब्रेस्ट ऑफ, इसके लिए ये यूज़ होता है आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, जितने लोगों ने अभी तक एग्जाम डोज चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना तो ठीक है, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत दिन भर वीडियोस अपलोड होंगे और आप परेशान होंगे नोटिफिकेशन से, ऐसा नहीं है, हार्डली 2 वीडियोस अपलोड होते हैं या 3, कभी कभी रेयरली कभी 3 हो जाते हैं, तो कम से कम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप जो भी इंग्लिश की हमारी क्लासेज होंगी उसे मिस नहीं करेंगे। सीटेट की क्लास भी वहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। विच फिगर ऑफ अ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, ऑल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इतने दिन बाद मुझे मेरा फेवरेट क्वेश्चन मिला है फिगर ऑफ स्पीच का, पढ़ाऊंगी मैं इसे एग्जाम डोज पे। द मून वेल्ड हर फेस, द मून वेल्ड हर फेस, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार प्रयोग हुआ है, सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन। वेल्ड मतलब होता है क्या, घूंघट करना, ठीक है, घूंघट। मून मतलब चांद, उसका चेहरा, हर फेस, किसी लड़की के चेहरे के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार जिसे आप कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु को, भावना या किसी भी स्पेशलिटी को का मानवीकरण कर दिया जाता है, उसे ऐसे लिखा जाता है जैसे वो इंसान हो। जैसे चंद्रमा जो है वो मतलब किसी का फेस वेल्ड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। हवा गाना गा सकती है क्या, नहीं गा सकती, ठीक है, लेकिन जब ये लिखा जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं मानवीकरण किया जा रहा है, यानी कि जो ऐसी भावनाएं या ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्जीव हैं उनको एक इंसान के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, जो वो एक्टिविटी करते हुए दिखाया जा रहा है जो इंसान कर सकते हैं, इसीलिए उसको पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मैं इसकी थ्योरी पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। Fill in the blank with correct preposition. We all have to adjust ourselves blank new circumstances to, with, on, from. And the correct answer for this question is option number A, 2. We all have to adjust ourselves to new circumstances. यहाँ पे देखिए जब something होता है adjust yourself to something, ये एक proper आपका phrase होता है, तो खुद को जब किसी चीज़ के लिए या कहीं पर adjust करने की बात होती है तो हमेशा to लगता है। यहाँ पे जिस चीज़ में adjust करना है, जहाँ पे adjust करना है उसके just पहले to का प्रयोग होता है। Select the part of speech of the underlined word in the given sentence. All right. सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में आया था, क्वेश्चन आया था और बताना था एक पर्टिकुलर वर्ड जो था उसमें बताना था कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि क्या है इस तरह का। शी ओपेंड हर आइज,
यहाँ पे ओपेंड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, एलेक्सरी वर्ब है या फिर इनमें से कोई नहीं। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है हिंदी में आपने पढ़ा है वही ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव क्या है, जो आपके अकर्मक क्रिया होती है। एलेक्सरी वर्ब क्या है, जो आपकी सहायक क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे कर्म यानी और ये सकर्मक क्रिया है। देखिए आप यहाँ पे ओपेंड यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो ये फिक्स्ड रहता है हमेशा ही, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता ही होता है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। सो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और थ्योरी वीडियोज़ के लिए एग्जाम डोज पर आ जाइएगा। बाय बाय।